अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट और उसके टाइप्स के बारे में। ग्रेडियंट डिसेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम में काम करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके लर्निंग रेट को बढ़ाने के लिए, उसके लॉस को कम करने के लिए, उसके कॉस्ट फंक्शन को भी कम करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू कम कर सकते हैं। अगर हम एक मॉडल का एग्जांपल लें, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर, वो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है और वो लर्न करता जा रहा है। ये जो ये जंप्स खा रहा है ये इसके हैं लर्निंग रेट, जिस हिसाब से वो लर्न कर रहा है और लर्न करता जा रहा है। यहाँ पे इसने और बड़ा जंप मार लिया, उसके बाद आगे अगर हम देखें इसने और छोटा सा एक जंप मारा है, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, उसके बाद ये आके बिल्कुल स्टीपेस्ट पॉइंट पे आ गया है। स्टीपेस्ट पॉइंट जो होता है ना हमारा, वो हमारा मेन चीज होती है ग्रेडियंट डिसेंट में, कि हम स्टीपेस्ट पॉइंट तक पहुंच सकें। वही हमारे लोकल या ग्लोबल मिनिमा को डिफाइन करती है। लोकल और ग्लोबल मिनिमा है क्या? मिनिमम वैल्यूज, किसी भी मॉडल की मिनिमम वैल्यूज जिसपे उसका बेस्ट लर्निंग रेट हो, बेस्ट लॉस रेट हो और बेस्ट कॉस्ट फंक्शन रेट हो। अब ग्रेडियंट डिसेंट तो हमने समझ लिया कि ग्रेडियंट डिसेंट है क्या, इसकी डिपेंडेंसी क्या है। इसकी डिपेंडेंसी ये है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स फंक्शन पे काम करता है, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन पे ये काम नहीं करता। नॉन कॉन्वेक्स इन व्हाट सेंस? जिसकी स्टीपेस्ट पॉइंट एक ही हो उस पे ये बेस्ट काम करता है। जिसकी मल्टीपल स्टीपेस्ट पॉइंट आ जाती हैं, जैसे हमारे पास सैडल होता है। सैडल हमारे पास कैसे होता है? एक वेव ऐसे आई और यहाँ पे आके रुक गई, फिर आगे जाके वो नीचे जा रही है, पर जहां पे वो रुकी हुई है वहां तक हमें ऐसा ही लगेगा कि हमारा बेस्ट लर्निंग रेट है, पर वो नहीं होता, उसके आगे भी होती हैं पॉइंट्स। तो ये इसकी एक डिपेंडेंसी है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लर्निंग रेट को हम हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू, कॉस्ट फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं, लॉस को फंक्शन हैंडल कर सकते हैं, यहां तक कि वेट्स को भी हैंडल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अल्फा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो अल्फा है हमारा इस इक्वेशन में, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लर्निंग रेट को, और थीटा जीरो और थीटा वन ये हमारे इक्वेशन के फंक्शन है। एक्स एक्सिस पे हमारा थीटा वन है यहाँ पे, और यहाँ पे जे ऑफ थीटा वन। अगर हम देखें इसका अल्फा स्मॉल है तो ये स्मॉल स्टेप्स में लर्न कर रहा है और ये बेस्ट टेक्निक है लर्न करवाने की। अगर अल्फा लार्ज है तो ये देखें कितने जंप्स खा रहा है, इससे अच्छा कि हम स्मॉल ही रखें और उसको और उसके हिसाब से उसकी लर्निंग करवाएं। अगर हम स्मॉल स्टेप्स में उसकी लर्निंग करवाएंगे तो हमें फायदा ये होगा कि हम इजीली स्टेप बाय स्टेप लर्न मिनिमम पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और ये क्या करता है, ग्रेडियंट डिसेंट साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को अपडेट करता रहता है। ये हम स्टोकास्टिक में भी देखने वाले हैं, जो इसकी टाइप है, कि ये साइमल्टेनियसली वैल्यूज को अपडेट करता है। फॉर एग्जांपल, इसका लर्निंग रेट थोड़ा सा भी कम हुआ या लॉस थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो बेस्ट मॉडल होगा इसके लिए, तो वो उसको सेव कर देगा। फिर हम नेक्स्ट लर्निंग रेट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही हम सबको चेक करते हैं और रिकॉर्ड में रखते जाते हैं। फिर जो आखिर में हमारे पास बेस्ट पॉइंट आती है वो हमारे पास सबके लिए यूज होती है, जिसको हम ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है हमारे पास बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सेकंड है हमारे पास स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है? बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, सब उसके पास जितने भी इपॉक्सेस होते हैं, जितनी भी इटरेशंस होती हैं, वो सबको रन करके और फिर आखिर में आके मॉडल को अपडेट करता है। पॉइंट बाय पॉइंट ये नहीं चलता, इपॉक बाय इपॉक ये नहीं चलता,
जैसे कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट में देखा कि एक एक लर्निंग रेट के बाद वो उसको अपडेट कर रहा था, तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में एक एक स्टेप के बाद वो उसे अपडेट नहीं करता, वो कंप्लीटली जब तक वो मिनिमम पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसे अपडेट नहीं करेगा। इसमें फिर हमें नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि इसे हायर कंप्यूटेशनल पावर चाहिए और मेमोरी भी चाहिए उसे मॉडल को सेव करने के लिए। अगर हम देखें स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की, उसमें वो हर एक मॉडल को हर एक ईपॉक के बाद सेव करता है और इसे इसी वजह से लेस कंप्यूटेशनल पावर चाहिए और मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए हर एक मॉडल को सेव करने के लिए। अगर हम लास्ट वाले की बात करें मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की, तो ये कॉम्बिनेशन है स्टोकास्टिक और बैच का और इसमें लेस कंप्यूटेशनल पावर चाहिए और मेमोरी भी इसी वजह से ही कम चाहिए एज कम्पेयर टू टूज। अगर हम इनकी इमेजेस देखें, इनकी इमेजेस से हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। हमारे पास जो बेस्ट वर्क करता है वो हमारा बैच है पर उसे कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा चाहिए, स्टोकास्टिक को कंप्यूटेशनल पावर कम चाहिए, इसीलिए मोस्टली हम रिकमेंड यही करते हैं कि उसे कंप्यूटेशनल पावर कम चाहिए इसलिए हम वही यूज़ करें, और मिनी बैच हम कहीं कहीं पर रिकमेंड करते हैं। अगर हम इसके चैलेंजेस को देखें कि इसके इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, जो हमने पहले बात की सैडल पॉइंट की, ये है हमारा सैडल पॉइंट, ये हमारी वेव आई, ये यहाँ पे कांस्टेंट चल रही है, उसके बाद आगे जाके ये नीचे चल रही है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में एक मसला होता है कि वो सिर्फ कॉन्वेक्स जो शेप्स होती हैं उनमें बेस्ट वर्कआउट करता है, जो नॉन कॉनकेव होती हैं उनमें वो बेस्ट वर्कआउट नहीं कर पाता। यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे दो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज हैं, एक है हमारे पास लोकल मिनिमम ये, और ये हमारे पास ग्लोबल मिनिमम, जो सबसे मिनिमम होती है ना वो पॉइंट होती है हमारी ग्लोबल मिनिमम। तो ये लोकल मिनिमम पे ही हम ये सोचेंगे कि हम अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, पर हम नहीं पहुंचे हुए होते। ऐसे ही हमारे पास सैडल पॉइंट में भी होता है, तो हमें उसे मल्टीपल इपॉक्सेस में चेक करना पड़ता है कि उससे नीचे भी जा रही है मिनिमम वैल्यू या नहीं। उसके बाद ये एक कंपैरिजन है तीनों का कि बैच में कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगती है पर वो हमें इजीली लार्ज लर्निंग स्टेप्स में बता देता है। अगर हम स्टोकास्टिक की बात करें तो उसके लर्निंग स्टेप्स भी ज़्यादा होते हैं पर वो एक एक ईपॉक के बाद मॉडल को सेव करता है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होती है तो वो फर्दर वर्कआउट उसमें करता जाता है। अगर हम मिनी बैच की बात करें तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें लेस कंप्यूटेशनल पावर और मेमोरी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।